मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय कांड की एनआईए और सीबीआई जांच की मांग पर कहा है कि जहां घटना हुई है वहां की पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं बीजेपी के पर बयान पर उन्होंने कहा कि इन्हें सिर्फ बोलने की आदत है। घटना घटी है जहां पर, तो वहां का ना करेगा पुलिस वाला जांच, वो जांच कर ही रहा है और जिन लोगों को भी वो उसको जो पता चला है और सारी बात से मालूम को अपना पकड़ा और पूरी बात वही लोग बताएगा, पूरी जानकारी देगा। आप कौन क्या वो लोग बोलते हैं उसमें मतलब कोई मतलब देखिए ना, सब तो जान लीजिए, कोई लेना देना नहीं है किसी चीज़ से, वो तो ऐसे ही बोलते रहना है। यहाँ पर कितनी कार्रवाई होती है, नहीं ऐसा नहीं लग रहा कि पटना के गांधी मैदान में 2013 में जिस तरह से घटना हुई उसको लेकर के लोग उसका तार जोड़ रहा है कि उस समय में भी ये घटना हुई थी। याद किए रही है, बहुत अच्छा है, कम से कम 13 याद कर रहे हैं। हम लोग सबको कह दे रहे हैं याद रखिए, क्या लग रहा है उनके पास सारी बात सामने आ जाएगी। अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भोजपुर के कोइलवर में नवनिर्मित मानसिक आरोग्य शाला का उद्घाटन किया। जिले के कोइलवर में भूकंप रोधी भवन के साथ ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त मेंटल हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। इस कार्यालय में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। अभिनंदन, उनका स्वागत किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तो इतना बड़ा काम आज हुआ है, आप देखिएगा कोई फैसिलिटी की कमी नहीं है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता है कि उन्होंने आने वाले समय में बिहार हम आगे और कैसे बढ़े, तरक्की कैसे करे, इसको लेकर के जो निर्देश दिया उसको सभी लोगों ने अमल किया है और बिहार जो है विकास के पथ पर अग्रसर आगे बढ़ रहा है। कम संसाधन होते हुए भी बड़ा बड़ा काम जो है इस राज्य में हो रहा है और हम तो आप लोगों को बता दें कि नई सरकार बनी है, नई सरकार महागठबंधन की बनी है जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। हम लोग काम में विश्वास करते हैं, कुछ लोग बेकार की बातें करते रहेंगे। अब बताइए इतना काम हो रहा है, अभी किडनी के इलाज के साथ साथ ट्रांसप्लांट के साथ साथ जो दवा नहीं मिलता था अब उन सारे मरीजों को मुफ्त में ही दवा की व्यवस्था हम लोग कराने जा रहे हैं। जो ट्रांसप्लांट होगा उसके बाद जो दवा चलता है, तो इतना बड़ा काम हो रहा। आप देखिएगा जो ड्रग हमको जो मिलता था लगभग 200 के करीब जो है ड्रग लिस्ट जो है हम लोगों को मिलता था, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे जो नेशनल जो लिस्ट है जो चार्ट है ड्रग का कितनी दवाएं लोगों को अस्पताल में मिलनी चाहिए वो तकनीक का निर्देश दे दिया गया है। तो लगभग जो है हमारा प्रयास है कि सभी दवाइयां मरीजों को अस्पताल में उपलब्ध हो, बाहर